आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रो मिनरल्स के बारे में जानेंगे। यह MSc फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। तो साइनोप्सिस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। साइनोप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, जिसमें आता है आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, फ्लोराइड, सेलेनियम, क्रोमियम और मॉलिब्डेनम। उसके बाद है कंक्लूजन और लास्ट में है रेफरेंस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। मिनरल्स ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ये हमारी बॉडी में स्मॉल स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी में बोन्स, टीथ का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में लार्जर अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। कुछ मिनरल्स जो स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं उसे ट्रांस मिनरल्स या फिर माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है आयरन, जिंक, आयोडीन, फ्लोराइड, सेलेनियम एंड कॉपर। सो मिनरल्स ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, बट अभी तक सभी मिनरल्स का पता नहीं लगाया गया है। सो अभी तक 24 मिनरल्स को रिकॉग्नाइजेबल किया गया है। एंड 16 मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए वेरी एसेंशियल होते हैं। बॉडी का 47% वेट मिनरल्स का होता है। मिनरल्स प्रेजेंट इन बॉडी एज ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में मिनरल्स बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन एज फ्री आयन इन सेल, फ्लोट एज सोल्यूबल सॉल्ट, एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ बोन एंड टीथ। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। ट्रेस मिनरल्स में आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, फ्लोराइड, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम को इंक्लूड किया गया है। तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, जिसमें मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स हैं। तो मैक्रो मिनरल्स मोर देन 100 mg पर डे होते हैं और माइक्रो मिनरल लेस देन 100 mg पर डे होते हैं। तो कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और क्लोराइड जो हैं वो मैक्रो मिनरल में आते हैं, और आयरन, जिंक, कॉपर, फ्लोराइड, सेलेनियम, क्रोमियम और मॉलिब्डेनम माइक्रो मिनरल्स में आते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे वेरियस माइक्रो मिनरल्स। तो पहला देखेंगे आयरन। आयरन में है इसका फंक्शन देखेंगे हम। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को नियंत्रित करके रखता है। यह RBC का एक पार्ट होता है। यह हार्मोन का क्रिएशन करने का वर्क करता है और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इसका सोर्स है ऑर्गन, मीट, रेड मीट, फिश और सेल फिश, एग, योक से मिलता है। और रिक्वायरमेंट्स देखते हैं RDA, उनकी बॉडी में कितना अमाउंट में पाया जाना चाहिए, तो 8 से 18 mg। डिफिशियंसी देखते हैं। पहला, खराब ग्रोथ करता है, पुअर ग्रोथ करता है, और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में एनीमिया होता है। उसके बाद देखते हैं टॉक्सिसिटी। तो हीमोसाइड्रोसिस, ओवरलोडिंग ऑफ आयरन, ये होता है। उसके बाद सेकेंड में देखेंगे जिंक। तो इसका फंक्शन देखेंगे पहले। फीटल के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में जिंक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सेकेंड है इम्यून फंक्शन करने में ये रोल प्ले करता है।
ये ट्यूमर को रेड्यूस करता है एंड कैंसर ग्रोथ को रेड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद सोर्स देखते हैं, मीट, फिश, पटरी, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और चिक पीस। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी में कितनी मात्रा में चाहिए रहता है ये 8 से 11 mg। डेफिशिएंसी देखेंगे, एक्यूएशिया, टेस्ट सेंस लॉस हो जाता है, ग्रोथ बाकी होता है और हाइपोगोनेडिस, गोनेट की हार्मोन डिक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद टॉक्सिसिटी देखेंगे, किसी के अंदर जिंक का टॉक्सिसिटी प्रेजेंट है तो उसके अंदर कॉपर का डेफिशिएंट हो जाता है एंड न्यूसिया एंड वोमिटिंग प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद देखेंगे कॉपर, इसका फंक्शन देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन करने में कॉपर मेन रोल प्ले करता है, नॉर्मल ब्रेन एंड नर्वस का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, इन्फेंट ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है एंड बोन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बाद देखते हैं सोर्स, तो लेग्यूमस सीड के अंदर मिलता है, लीवर के अंदर मिलता है और कोस कैसियोस मिलता है, यानी कि काजू में मिलता है और सेल्फिश, होल ग्रेन, बीन, नट्स, पोटैटोस में मिलता है। ये रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी 900 mg, डेफिशिएंसी पतले पतले सूखे हेयर हो जाते हैं, हाइपोक्रोमैटिक एनीमिया होता है, आरबीसी का साइज छोटा होता है और स्केलेटल डिफेक्ट होता है। टॉक्सिसिटी देखेंगी, विल्सन डिजीज़ होता है, ये इनहेरिट डिजीज़ होता है, इस डिजीज़ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है। सिम्टम्स देखेंगे, स्वेटिंग होता है, फिर फेटेज होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, पुअर मूवमेंट होता है, फिर मैगनीज। इसके बाद इसका फंक्शन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन हमें फिर से देखते हैं, शायद ये कोलेस्ट्रॉल है, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म में मेन रोल प्ले करता है, ये बहुत सारे एंजाइम का पार्ट है एंड डायबिटीज मेलिट्रस को कंट्रोल करने का वर्क करता है और ट्रीट साइजोफ्रेनिया। इसका सोर्स देखते हैं, तो सोर्स है इसका पाइनएप्पल, पीनट्स में मिलता है। रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी में कितनी मात्रा में चाहिए तो 18 से 23 mg में चाहिए। उसके बाद डेफिशिएंसी देखते हैं, तो पुअर ग्रोथ करता है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया इन चिल्ड्रन। उसके बाद टॉक्सिसिटी देखते हैं, तो परकिंसन डिजीज होता है, इसका सिम्टम होता है स्टिफ मसल्स होंगी, डिफ़िकल्टी वर्किंग होगी, डिफ़िकल्टी स्टैंडिंग होगी। उसके बाद देखते हैं फ्लोराइड, तो इसका फंक्शन देखेंगे, बोन्स एंड टीथ के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं, रेड्यूस इंसिडेंस ऑफ डेंटल केराइज। फिर सोर्स है फ्रूट जूस, वाटर, फ्रीज कैप और इसका बॉडी में चाहिए ये 3 से 4 mg। और डिफिशियंसी देखते हैं, डेंटल केराइज कॉज करता है और टॉक्सिसिटी देखते हैं, क्लोरोसिस और मॉथेड एनिमल, यानी कि टीथ बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। उसके बाद देखेंगे सेलेनियम, तो इसका फंक्शन देखेंगे, थायराइड ग्लैंड की हेल्थ को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिप्रोडक्शन के लिए सेलेनियम अच्छा होता है, अगर बॉडी में कोई
ऑक्सीडेटिव डैमेज हुआ है तो उसका रिपेयर करने में हेल्प करता है। उसके बाद सोर्सेस देखते हैं, मीट, सीड फूड, हम एंड गेम, ब्राजील नट्स। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी देखते हैं तो 55 mg है, और एफिशिएंसी देखते हैं कैसन डिसीज कॉज करता है, ये एंडेमिक होता है, कार्डियो मायोपैथ होता है, ये बहुत सारे हार्ट सिम्टम को कॉज करते हैं, और इसमें जॉइंट डिजीज देखने को मिलता है, कैसन बेस डिजीज। टॉक्सिसिटी देखते हैं, हेयर एंड नेल लॉस हो जाते हैं और लीवर फेलियर हो जाता है। उसके बाद देखते हैं क्रोमियम, तो फंक्शन देखते हैं, क्रोमियम इंसुलिन के साथ मिलकर वर्क करता है एंड ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर को मेंटेन करने का वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका सोर्स देखते हैं, अनरिफाइंडेड फूड, लीवर, होल ग्रेन, नट्स और सीड्स। रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी देखेंगे तो 25 mg होगा, डेफिशिएंसी देखते हैं तो हाइपर ग्लाइसीमिया शुगर का लेवल बढ़ा देता है और न्यूरोफैटी यानी कि नर्व का इंफ्लामेशन करता है। टॉक्सिसिटी देखते हैं तो डर्मेटाइटिस यानी कि डर्मिस लेयर में इन्फ्लामेशन करता है, और एक्जिमा यानी कि स्किन डिसऑर्डर होता है एक्जिमा। उसके बाद देखते हैं मेलिब्डेनम, तो फंक्शन देखते हैं, मेलिब्डेनम के अंदर बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर होता है, कुछ एंजाइम का पार्ट होता है और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसका सोर्सेस देखते हैं तो मिल्क, वेजिटेबल, लीफी ग्रेन, ब्रेड्स, लीवर और लेग्यूमस। रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी देखते हैं तो नो, अभी तक इसके रिक्वायरमेंट का पता नहीं लगाया गया है, और डेफिशिएंसी देखते हैं तो ये भी अभी तक पता नहीं किया गया है। उसके बाद देखते हैं टॉक्सिसिटी, तो मॉलिब्डेनम की टॉक्सिसिटी होती है हो रही है कि किसी पर्सन के अंदर तो कॉपर, आयरन यूरिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं, और इफ एक्सेस कैन कंप्रोमाइज द कॉपर स्टेटस, मॉलिब्डेनम इंक्रीज कॉपर आयरन इन यूरिन। उसके बाद देखेंगे कंक्लूजन, तो ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि इन ऑर्गेनिक एलिमेंट में माइक्रो मिनरल में बहुत से आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, फ्लोराइड, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एक्सेट्रा आते हैं, जिनमें रेशियो डेली अमाउंट में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये ऑल बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। रिफरेंस देखते हैं बायोकेमिस्ट्री बाय जे एल जैन, बायोकेमिस्ट्री बाय रिटर बी रेड्यूसल और बाय नेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।